उपभोक्ता ने दोपहिया वाहन का 2 बार फुल टैंक कराया। रिलायंस पेट्रोल पंप पर उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। आपको बता दें कि रविवार को प्रिंस अग्रवाल नामक युवक के द्वारा होंडा शाइन गाड़ी में नानाखेड़ा मंडी स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप पर गाड़ी का फुल टैंक करवाया गया, जिसमें टैंक में 15.24 लीटर पेट्रोल आया। इसके बाद कुछ देर बाद युवक को संदेह हुआ तो वो वापस दोबारा रिलायंस पेट्रोल पंप पर वापस आया और इसके बाद गाड़ी का टैंक पूरी तरह मिस्त्री के द्वारा खाली करवा कर दोबारा गाड़ी का टैंक खाली करवा कर भरवाया। इसके बाद टैंक में 15.84 लीटर पेट्रोल का बिल मीटर रीडिंग में दिखाया गया, लेकिन जब उसके बाद बाल्टी में पेट्रोल नाप लिया गया तो उसमें सिर्फ 15 लीटर ही पेट्रोल आया। इस संबंध में युवक के द्वारा सवाल किया गया तो रिलायंस के मैनेजर के द्वारा गलती मानने से इनकार कर दिया गया। अब सवाल यह है कि देश के जाने माने रिलायंस ग्रुप के पेट्रोल पंप पर अगर इस तरीके से ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की जाएगी तो फिर उपभोक्ता कैसे विश्वास करेंगे। जी बताइए, आप इतनी टैंक फुल कराया था मैंने, इन्होंने पहले कराया इसको 1650 रुपये में, जिसका बिल रिसीव थे ठीक है, जबकि इसमें पहले ही कुछ पेट्रोल था। मैंने बोला ठीक है, उसके बाद मैंने इनसे चेक करवाया पेट्रोल ड्रम निकाल के, जिसका वीडियो मैंने बना चुका हूँ, आप भी देख दिखाऊंगा, आप देखना। इनने से 15 लीटर पेट्रोल इसमें से निकाला, 15.5 लीटर डलवा, 15.5 इन्होंने डाला था इसमें ठीक है। और अभी इसको अपन ने खाली करके दोबारा फुल कराई है, तो अभी इन्होंने कराया 1720 रुपये में इसको फुल। अब इसमें कितना पेट्रोल आया है? अभी इसमें आया कितना अभी दिला रहा है मैं आपको बताता हूँ, 15.88 लीटर आया है। अच्छा, और पहले कितना आया था? पहले इन्होंने भरा था 15.24। अच्छा अच्छा, 15.44 लीटर इन्होंने पहले भरा था। तो कितने का अंतर आया लगभग? कितने का अंतर आया लगभग? लगभग इसमें 100-150 रुपये का अंतर आया। अच्छा, बहुत अंतर है 100-150। मेरा नाम है हेमंत तिवारी जी। कौन सा पेट्रोल पंप है? रिलायंस। रिलायंस पेट्रोल बताइए, यहाँ पे अभी क्या हो रहा है? ये ये गाड़ी जैसे फुल करा के ये गए थे, ये यहाँ से गाड़ी लेके गए, इसके बाद फिर करीबन 20-25 मिनट बाद मेरे पास आते हैं कि ये गाड़ी में पेट्रोल मुझे चेक कराना है। तब आपको टंकी फुल मिली थी या नहीं मिली थी इसकी? गाड़ी को फुल करने का ठीक है, ठीक है, अलग वो रहता है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी टब आपके एक बार में। पहले टंकी कितने पेट्रोल में फुल हुई थी? 5 लीटर 15 लीटर 24.8 ठीक है। फिर इसके बाद टंकी को खाली किया गया, फिर कितने में? फिर उसमें आया है 15 लीटर 88.8। तो इतना अंतर कैसे आया? इतना अंतर कैसे आया? अंतर इसलिए आया कि टंकी को आप जैसे फुल कराओगे वैसे तो आएगा। तो टंकी तो पहले का मतलब तो पहले भी कराया, फुलका मतलब तो पहले, फुलका मतलब क्या है? आप मुझे फुलका मतलब अलग बताइए, फुलका मतलब कुछ और होता है, फुल मतलब फुल वरना। फुलका मतलब तो यही हो ना, जितना टंकी में पेट्रोल आएगा उतना ही भरा होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। थोड़ा हो सकता है इन्होंने लोएस्ट पे रखवाया हो, कोई जरूरी थोड़ी है कि आप पूरा टोटल करवाए उसके बाद ड्राइव करके भी आइए, ऐसा तो नहीं। ड्राइव मैंने तो ड्राइव कर ली मेरी।